नमस्ते भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि राशियों के हिसाब से किसे शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आप राशि के हिसाब से शिवलिंग पर ये वस्तु चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि, इसके साथ यश का आगमन हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए राशि के हिसाब से किसको क्या चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, पहली राशि हमारी मेष है। मेष राशि के लोगों को शिवलिंग पर शहद एवं चीनी का अभिषेक करना चाहिए और इसे चढ़ाना चाहिए। ये मेष राशि के लिए अत्यंत शुभ है दोस्तों। इसके साथ वृषभ राशि के लोग दही एवं दूध और घी का उपयोग करें दोस्तों। इसके साथ हमारी जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लोग बेलपत्र एवं लाल फूल का पूजा में लेकर भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं, इससे उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके साथ जो हमारी कर्क राशि है, कर्क राशि के जातक को दूध सफ़ेद वस्त्र चढ़ाना चाहिए। इसके साथ हमारी अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोग शहद एवं गुड़ चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर, ये उनके लिए अत्यंत शुभ है। इसके साथ कन्या राशि के लोग बेलपत्र एवं शहद चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। इसकी अगली राशि है तुला राशि। दोस्तों, तुला राशि के लोगों को गन्ने का रस तथा घी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में यश बढ़ता है। वृषभ राशि के लोग लाल फूल गंगा जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। इसके साथ धनु राशि के लोग चंदन पीला फूल आदि चढ़ा सकते हैं। मकर राशि के लोग बेलपत्र एवं गंगा जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, ये उनके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसके साथ जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लोग मलाई एवं मिश्री चढ़ाएं भगवान शिव को, उन्हें अत्यंत यश का मिलना निश्चित है दोस्तों। इसके साथ मीन राशि के लोगों को शहद बैर का फल जरूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, इससे उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपनी राशि के अनुसार इन वस्तुओं का उपयोग करके भगवान भोले को अवश्य प्रसन्न कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और भगवान भोले बाबा के लिए हर हर महादेव जरूर लिखिए, इससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है दोस्तों। धन्यवाद।